क्योंकि बेसिकली इफ़ यू डोंट फॉलो मे इंस्टाग्राम आई वुड लव टू जस्ट रीवाइंड री रीड री नरेट नी री नरेट द होल स्टोरी सो बेसिकली कल ये हुआ कि कल बारिश हुई और पिछले हफ्ते बहुत गर्मी थी बहुत गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है मैं बता भी नहीं सकती तो खैर कल बारिश हुई है बहुत देर से बात और आई जस्ट वॉन्ट टू

बी इन द रेन ओके तो और मैंने नीचे देखा हम मैं बैल्कनी से नीचे देखा तो अलॉर ऑफ पीपल वर्क आउट ऑन द स्ट्रीट अपने बच्चों को लेके आए हुए थे और सारे लोग बेसिकली आए हुए थे वॉक कर रहे थे मर्द और सब तो मुझे लगा कि ओ मैं भी जा सकती हूँ तो मैं गई नीचे अपनी बहन के साथ और इट फील्ट सो गुड और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस इज समिंग दैट इज नॉर्मलाइज हियर की कोई ऑकवर्ड नहीं हो रहा और सारे अपना इंजॉय कर रहे हैं अब बच्चे खेल रहे हैं कोई वॉक कर रहा है कोई नहीं कर रहा है मैं मेरी बहन भी, भी, भी वॉक कर रहे थे हमें इतना मजा आता था वॉक करते हुए कि मैंने कहा यार एक स्टोरी तो बनती है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी तो मैंने वो स्टोरी बड़ी मुश्किल से बारिश में बनाई और फिर मैंने फोन अपना रख लिया पॉकेट में कि ना ऊपर जाके पोस्ट सॉरी जब मैं ऊपर गई तो फोन नहीं चला बेसिकली फोन के अंदर पानी चला गया ऑफ पीपल रिकमेंडेड नहीं कि उसको चावलों में रख दो और मैंने बहुत लेट एक्चुअली जाके चावलों में रखा क्योंकि दो तीन वीडियो मैंने टेक रिलेटेड देखी उन्होंने कहा कि ना रखें चावलों में उसको ड्राई होने दें वैक्यूम करें ये, करें वो करें, मेरे पास वैक्यूम नहीं है मेरे पास वो सिलिकॉन पता नहीं उसमें कैसे उसमें रखें मेरे पास उनमें से कोई चीज नहीं थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा बहुत मेरे दोस्तों ने कहा कि चावल में रख दो चावलों में रख दो तो मैंने कहा आई डू नॉट हैव टू लूज़ ओके मोबाइल ऑलरेडी मर चुके हैं या फिर कॉमा में है अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर मैं चावलों में रख दूंगी तो मैंने चावलों में रख दिया सुबह मैंने निकाला तो वो नहीं हुआ हुआ था मम्मा ने मुझे कहा कि फिर से रख दो और अब ट्वेंटी फोर आवर्स बाद देखना तो खैर वो चावलों में रेस्ट कर रहे करें um, तो लेट्स सी वॉट हैपन स्प्रे कि वो ठीक हो जाए होपफुली वो ठीक हो जाए आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू फ़ोन एंड क्योंकि मुझे मेरा ये फ़ोन काफ़ी अर्से स्लो हुआ हुआ था और मैंने ये ट्वेंटी ट्वेंटी में लिया था और मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी में भी जब लिया था तो मुझे इमरजेंसी में एक फ़ोन चाहिए था क्योंकि मेरे पास फ़ोन था ही नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है मैंने कभी भी जो है ना नॉर्मल कंडीशन में फ़ोन नहीं लिया हमेशा मेरा पिछला फ़ोन ख़राब होता है तो ही मैं नहीं आ जाती हूँ तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और कोविड का टाइम था ये वो मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था वो चल नहीं रहा था मैंने उसके बगैर तीन चार महीने गुजारे थे क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम आई वाज नॉट वर्किंग एंड नॉट अर्निंग ऑन माय ओन और मैं भी कैन डिमांड नहीं कर सकती थी न्यू फोन तो आई वाज पेशेंटली वेटिंग और फिर जब मेरे पास आया तो फिर मैंने उस टाइम जो है मुझे सिर्फ फ़ोन चाहिए था और मैंने गुजारे लाइक फ़ोन चाहिए था तो मैंने इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और उस वक्त शाउमी के फ़ोन था तो मैंने कहा ओके दिस वर्क्स फाइन बस ले दो बस चलता और मोबाइल और उसमें स्टोरेज हो और ये सब कुछ हो ठीक है मेरा फ़ोन आ रहा है आई बी बैक तो आई गॉट दिस फोन और उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी कीमत में वो फ़ोन मिल गया था और मैंने उसको तीन साल बहुत अच्छे से यूज़ किया है वीडियो क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन पिक्चर उसमें अच्छी ठीक ठाक आ भी जाती है और ये मतलब कर करती है लेकिन जब से मैंने ये अकाउंट बनाया था ना और जब से मैं ग्रेजुएट हो गई थी तो तब से मुझे था कि आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू फोन आई वॉन्ट टू गेट एन आई ओ एस ठीक है और बेसिकली उस चीज़ का ये था कि मेरे पास इस फोन से पहले आई ओ एस था जो कि खराब हो गया था तो उस आई में बहुत ज़्यादा मेरी पिक्चर्स वगैरह हैं जो मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सेस कर सकूँ और दूसरा ये कि आई ओ की रीसेल क्वालिटी रीसेल क्वालिटी नहीं लेकिन रीसेल प्राइस बहुत अच्छी लग जाती है और तीसरा ये कि मुझे ये नहीं है कि ओ माय गॉड आईफोन और ये सब कुछ लेकिन मुझे बस ये है कि इट वर्क्स वेल और वो स्लो नहीं होता उसका कैमरा मुझे सबसे ज़्यादा कैमरा का है क्योंकि इफ़ अगेन इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आई ट्राई टू पोस्ट अलॉट और आई रियली really, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था कि आई वॉन्ट टू मेक रील्स तो इस वजह से मुझे एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत है मैंने एंड्रॉयड के जितने भी कैमराज देखे हैं मैंने देखा कि वो पहले बहुत अच्छे होते हैं एक साल बाद तबाह हो जाते हैं और विद मुझे लगता है कि there's a very distance difference between Android का कैमरा और आईफोन का कैमरा ऑब्वियसली पीपल डू आर्ग्यू के सैमसंग के बहुत अच्छे फोन हैं जिनका बहुत अच्छा कैमरा है बहुत अच्छा रिजल्ट है iOS से बेहतर है लेकिन अगेन बात यह है कि वो भी उन्हीं प्राइस में है जिस प्राइस में आई चला जाता है बस एक जो मसला मुझे ये वो है कि यहाँ पे पी टैक्स लगता है जो कि मैं देना नहीं चाहती तो आई माइट नॉट बी गिविंग द पी टी ए टैक्स क्योंकि वो वाला फोन मैं नहीं लूँगी क्योंकि उसमें लाख दो लाख का फर्क होता है अभी मैं आई फोन नहीं ले रही क्योंकि देर इज दिस थिंग इन माई लाइफ जो कि स्टॉक हुई हुई है उसकी वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही फाइनेंशियल मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी यही बोला था और उसका मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या करना है तो इस वजह से मुझे एटलीस्ट दो तीन हफ्ते वेट करना पड़ेगा आई एम फाइन विदाउट अ फोन क्योंकि मेरी मम्मा का पुराना फ़ोन था उसमें मैंने सिम कर ली और मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया अपनी मामा के फोन में में मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉग इन कर लिया कि वो मुझे अगर कुछ अपडेट करना है तो मैं अपना अकाउंट पे लगा दूँ और वैसे आई एम यूजिंग माई लैपटॉप ट्विटर देखने के लिए या कुछ भी देखने के लिए दुख मुझे इस बात का था कि मैं आजकल आई एम हाई ऑन माई रीडिंग गेम और मेरे पास मैं अब वो बुक नहीं पढ़ सकती मैं मोबाइल पर पढ़ रही थी तो मुझे बस बस इसी चीज़ का दुख है आई वुड लव टू गेट अ न्यू फोन इसलिए मुझे पुराने फ़ोन के जाने का इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि शायद पुराना खराब होता तो ही मैं नए का सोचती लेकिन अभी मैं ले नहीं सकती और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने किस तरह लेना आई वॉन्ट टू गेट इट ऑन लीज या फिर या फिर पता नहीं सेकेंड हैंड लेने मैंने फर्स्ट हैंड लेने तो वो सब कुछ अभी मैंने फिगर आउट किया ही नहीं है लेकिन आई डू वांट टू गेट एन आईफोन क्योंकि आई डू लव द कैमरा ऑफ आईफोन और मुझे है कि बस अगले चार पाँच साल वो चल भी जाए और अगेन इसकी जो है वो सेल वैल्यू रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है और वो सब कुछ है और आई डू और जो मेरा पुराना सारा चीजें आये मैं उनको भी एक्सेस करना चाहती हूँ और और um, मैं मैं एप्पल पॉडकास्ट को भी बेहतर एक्सेस कर सकती हूँ जब मेरे पास आई होगा तो बेसिकली मुझे आई ओ लेना है मुझे एक्सप्लेनेशन देनी नहीं चाहिए इस चीज़ की क्योंकि मतलब कि मुझे बस लगता है कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आईओएस क्योंकि वो एक ब्रांड है और मुझे है कि वो मेरे हाथ में ये फोन होगा तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा सोसाइटी में मुझे इसलिए नहीं लेना Uh, और इफ यू नो मी तो यू वुड नो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती मैं लिटरली जहाँ पे भी जाती हूँ ना और वहां पे जो वो सबसे सबसे सस्ती ऑप्शन उसको, उसको करती हूँ तो बेसिकली मतलब पिछले एपिसोड में आई टोल्ड यू ऑल के मेरा अगले दिन प्लान है अपने फ्रेंड्स के साथ और मैंने जो है वो पता नहीं क्या सीन है उन्होंने

दे के मिन मुझे फिर पता उनको देख के पता लग गया कि कौन से बोले मेरे दोस्त हैं और इट टू बी दाई लाइफ एंडस्ट डे ऑफ ट्वेंटी इतना मजा आया मुझे फर्स्ट डे के एमिन और उन्होंने फिर उन्होंने मुझे इतने ज्यादा गिफ्ट दिए और वो सारे गिफ्ट वर सो थ मतलब कि उन्होंने लिटरली मुझे सोच के वो गिफ्ट लिए के रबिया को ये पसंद आएगा या एक गिफ्ट कस्टमाइज था एक बुक थी जो मुझे बहुत पसंद है तो वो गॉड the क्योंकि उनको पता था कि दिस इज समथिंग आई वुड लाइक तो दैट फेल्ट दैट मेंट फेल्टैट दे गिव मी फ्लावर्स दे गिव मी बलून्स वहां पर इतना मजा आया फिर उन्होंने कहा कि ओ चलते हैं तो मुझे लगा कि अब खाना खाने जाना है ना तो मैं उनके साथ चली गई टर्न आउट के द् प्लैंड वंडरलैंड में कि हम विंटर लैंड जाएंगे और उसमें सब कुछ करेंगे और वहाँ मैं गई वहाँ मुझे इतना मजा आया ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू विंटर लैंड और मैं सोच रही थी कि अच्छा कब जाऊँगी कैसे जाऊँगी किसा करूँगी दे इट और ना मैं अपनी बर्थडे वाली स्टोरी में बोल रही थी और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि वो आई वॉन्ट अ फिजिकल एक्टिविटी मुझे ये करना है वो करना है फ्ला करना है तो दे लिसन टू इट और उन्होंने उस हिसाब से प्लान बनाया बट दैट मेंट अलॉट टू मी और उसके बाद फिर हम के एफ सी गए हमने के एफ सी खाया और फिर मैं घर चली गई और मैं हम हर किसी को बता दूँगी दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ आई लिटरली हैड सो मच फन एंड फील सो स्पेशल क्योंकि द फैक्ट दैट एवरी थिंग दे डिड वॉज मतलब कि उन्होंने वो कुछ भी कर सकते थे ठीक है ना और जो भी उनको कन्वीनियंट होता है लेकिन उन्होंने वो चीज़ की दैट I would लव एंड आई वु वॉन्ट टू डू एंड दैट मेन्ट अ लॉ एंड ऑल ऑफ दैम आर माई जूनियर्स बेसिकली और मैं तो अब ग्रेजुएट हो गई हूँ तो मेरे वो यूनिवर्सिटी में भी, भी हैं तो ऑल ऑफ देम और स्टूडेंट्स आई फील्ड बैड क्योंकि आई एम श्योर उनके बहुत पैसे सब में लगे होंगे और कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे आर स्टूडेंट्स तो मुझे मतलब बहुत हुआ um, लेकिन मुझे बहुत मजा आया बहुत बहुत मजा आया सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल और मतलब मुझे समझ नहीं आई थी उनको किस तरह थैंक सो गुड एंड आई कैन नॉट वेट टू मीट मीट देम अगेन क्योंकि मुझे उनके साथ मजा भी बहुत आता है दे आर लाइक अच्छा अब सीन ये है कि ना आई एम ट्वेंटी थ्री लेकिन देर इज अट ऑफ थिंग्स जैसे द मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे एज फेलो दोस्त हैं वो शायद मे बी मुझसे ज्यादा मिच्योर हैं या क्या है लेकिन वो दो ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरी बर्थडे पूरा प्लान किया वो देम आई कैन ब्रिंग आउट माई इनर किड एंड मतलब मैं उनके साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी दिस इज वाई टेल दम सॉन्ग यू मेक मी फील लाइक आई एम लिविंगेट सॉन्ग टू क्योंकि मुझे उनके साथ मतलब के आई फील

उसके बाद और मैंने क्या अपडेट करना था ओके आई एम मेकिंग दिस एपिसोड ऑन मंडे क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं इस हफ्ते ना स्किप कर दूं, मैं एपिसोड ना बनाऊँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी जिस टॉपिक मैंने एपिसोड बनानी थी वो टॉपिक मुझे मुझे अभी करना नहीं है मुझे अगले हफ्ते करना है क्योंकि बीच में ईद आ रही है और मुझे था कि नो आई डोंट वांट टू डू इट और फिर मैंने कहा कि व्हाट शुड आई डू शायद मैं स्किप कर दूं फिर मैंने कहा स्किप नहीं करती कुछ कोई ना कोई एपिसोड बना लेती हूँ तो फिर इसलिए आई एम मेकिंग दिस एपिसोड दिस इज क्वाइट लिटरली अ फिलर एपिसोड और बीच में ईद है और मैं ये मंडे को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई एम आई वॉन्ट टू फास्ट फॉर द नेक्स्ट ट्यू डेज आई मतलब कि मेरा इरादा तो है तो लेट्स सी क्या बनता है इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा अब ये अपिसोड बना लेती हूँ और मैं लिटरली अपने काम के बीच में सोट के एपिसोड मतलब कि रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जो है मैं टाइम से बंद कर दू और फिर क्योंकि मैंने शहरी रखनी है तो उससे पहले यू हैव टू स्टार्ट स्टार्ट विद इबादत और सब कुछ तो मैंने कहा कि बस मैं रिकॉर्ड करके रख दूँ ताकि मैं वो सब कुछ कर सकूँ द गुड थिंग इज़ दैट कि मेरा मोबाइल भी खराब है तो मैं पूरे दो दिन का अच्छी तरह जो है वो मतलब इबादत कर सकती हूँ और वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैंने प्लान किया है इस वजह से दिस एपिसोड माई ड्री स्मॉल आई एम प्लानिंग टू मेक इट फॉर ट्वेंटी मिनट्स लेट सी और इस वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है अब ईद इज़ कमिंग इन और मैंने कहा चलो ईद आ रही है तो मैं ईद के बारे में बात करती हूँ ईद उल अजहा इज कमिंग और इतनी जल्दी आ गई है ना ईद अभी छोटी ईद थी और मुझे लगता है कि फौरन बड़ी ईद आ गई है और ना मैं हमेशा ये कहती हूँ और आई लिटरली सेट मतलब बहुत लाइट um, मोड पे मैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट टू से लेकिन मैं कहती हूँ आई विश के ईद में ना ज्यादा गैप्स होता है दोनों ईद में क्योंकि मुझे लगता है कि एवरी वन इज सो छोटी ईद और फिर दम से आ जाती है, तो हर कोई थका हुआ होता है और आजकल तो इतनी गर्मी है कि ना एवरी वन इज लाइक तो मुझे था मुझे ना मैं हमेशा कहती कि आई एक ईद जो है वो सर्दियों में आती होती है और ए, एक ईद जो है वो गर्मियों में आती होती है लेकिन वैसे ये ईद जो है क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है तो सबकी अटेंशन ज्यादा उस पे होती है बजाय इसके के और वो सब कुछ करें सबका ये होता है कि ओ Uh, कुर्बानी करनी है वो संभालना है गोश्त संभालना है गोश्त बांटना है ये करना है वो करना है तो वो सब कुछ में सर स्पेशली जो मर्द हजरा है उनका तो इसी सब में हो जाता है अब बात ये है कि पिछली जो ईद थी क्योंकि आई मूव टू दिस न्यू प्लेस जो मैंने बताया कि आई लिव इन अपार्टमेंट उससे पहले मैं जो हूँ वो कहीं और रहती थी वहां पे तो फुल पता लगता था कि ईद उल अजहा स्टार्ट हो गई है सब अपने अपने बकरे और भैंस और भैंस नहीं गाय और जो है वो सब कुछ ऊंट और वो क्या कहते हैं उन्हें आई नो दुम्बे वो सब कुछ लेके आते थे और मतलब वो पता लगता था फुल हाइट जगह सबका है लेकिन जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे एक्चुअली अलाउड नहीं है हमारी सोसाइटी में कि आप अपने कुर्बानी के जानवर अंदर ले आओ और अपने घर में ले आओ हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम तो बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि ऑब्वियसली फॉर सम रीजनस डैट इंक्लूड के क्लीनेस के कैसे क्लीन करेंगे वो सब कुछ कैसे कहाँ रखेंगे और फिर पहले मुझे लगा कि यार ये तो ज्यादा है मतलब पता कैसे चलेगा ईद है और वाकई नहीं पता चलता लेकिन और स्पेशली आप ऐसी जगह से उठ के पे पे ईद सब मतलब के वो बकरे और सब कुछ होता था और आपको फुल पता लगता था लेकिन फिर मैंने मतलब देखा कि फिर मैं सोच रही थी परसों कि अगर यहां पे हर किसी की बैल्कनी में बकरा खड़ा होता या गाय खड़ी होती या फिर जो मतलब घर हमारे अपार्टमेंट से निकल के जो लॉबी है उसमें सब के खड़े होते तो क्या सीन होता और इतना गंदा हो जाना था और इतना अनकनवीनियंट हमारे लिए भी होना था और जो आ, अपार्टमेंट्स वगैरह क्लीन करने आते हैं रोज सुबह उन बेचारों के लिए बहुत ज्यादा हो जाना था फिर जिस दिन कुर्बानी का दिन होना था उस दिन कैसे वो लोग कुर्बानी करते स्ट्रीट पे करते ऊपर करते बैल्कनी में करते तो बहुत बुरा सीन हो जाना था तो अच्छा है कि मतलब उन्होंने ना हमारी सोसाइटी में ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड सा है उसमें सारे जो भी लेके आते हैं वहाँ रखवा देते हैं और आप उनको पैसे दे देते हो कि इनका वो तो वो ही वहाँ पे वर्कर्स हैं वो उनका ख्याल रखते हैं और कुरबानी जिस दिन करनी होती है वो उसको जिबा करके उसका गोश्त सबको प्रोवाइड कर देते हैं जिनका जो जो बकरा होता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और आई वॉज टेलिंग दिस टू माई फ्रेंड्स और उन्होंने कहा कि दैट इज सो so नाइस nice क्योंकि आप फिर दिखावा भी नहीं कर सकते और दिस इज समथिंग जो मैंने बचपन से हमेशा देखी थी कि लिविंग इन मतलब मत पुराने घर में कोई एक ऐसी फैमिली या दो तीन ऐसी होती थी जो ऑब्वियसली देर ऑलवेज वुड गो बिग वर्बानी और वो हमेशा दस ऊंट नहीं दस ऊंट नहीं लेकिन एक दो ऊंट एक दो गाय और दस बकरे ले आते थे और फिर आपके ना उनके बच्चों में भी थोड़ी सी ना वो आदत पड़ जाती थी फ्लेक्स करने की के वो उनको लेके घूम रहे हैं अपने सारे दोस्तों को बता रहे हैं और जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते या एक ही ले सकते हैं उनके बच्चे फिर मतलब थोड़ा दे वुड फील बैड कि वो हम क्यों नहीं ले सकते या वो कंप्लेन करते थे और मैंने ये चीज़ बहुत देखी अपने बचपन में कि होता था मतलब जो नहीं कर सकते थे दे वुड ऑलवेज फील बैड और उनको नहीं अच्छा लगता था और बच्चे कभी को कभी ज़िद भी करने लग जाते थे, थे अपने माँ बाप से कि हमारे लिए भी लेके आए ये वो और आपको नहीं पता कि योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट या इस बार वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है इट्स वेरी मतलब के ये मतलब इट्स अ रियल थिंग कि ऑब्वियसली मैंने देखा है कि कुछ लोग इवन तो करना नहीं चाहिए लेकिन फ्लेक्स करते थे और यहाँ पे नोवन कैन फील बैड क्योंकि आपको तो जो भी कर जो कर भी रहा है आपको नजर नहीं आ रहा और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उस मतलब के क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ही वॉन्ट टू प्लीज अल्लाह और मतलब वो गोश्त पाड़ना चाहते हैं और ये सब कुछ वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ही वॉन्ट टू शो ऑफ या फिर ये हो या फिर वो हो इज़ आई थिंक अ गुड थिंग सम पीपल से कुर्बानी होती वो है कि बकरा आपके पास रहे आप उसकी खिदमत करो और फिर आप उसको कुर्बान कर दो अब आई नो कि हर किसी का हर डिफरेंट ओपिनियन है अब हमने कभी कभी बिल्कुल ईद के दिन सुबह भी जानवर लिए हुए क्योंकि बीच में इतने महंगे हो जाते हैं और जिस दिन ईद होती है उस दिन फिर थोड़े सस्ते हो जाते हैं उनका रेट कम हो जाता है कभी कभी हमने एक दो दिन पहले भी लिए हुए हैं तो इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक के ओ वही मतलब के हमारे साथ दस दिन या पूरा महीना या पूरा साल एक जानवर रह रहे और फिर हम उसकी कुर्बानी कर रहे हैं कभी कभी हम लिटरली उस दिन भी ले लेते ले थे एक घंटा पहले भी ले लेते थे जबा करने के लिए सेकेंडली देर इज दिस होल मुझे लगता है कि एक चीज़ है कि आप लोग हिस्से भी डालते हैं विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि जिसके पास अगर कम पैसे हैं वो पूरा जानवर नहीं रह सकता, अब तो बकरे भी इतने महंगे हैं तो वो हिस्सा डाल दे और जितना वो अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से वो सेक्रीफाइस कर ले तो वो भी एग्जैक्टली exactly वो चीज़ तो नहीं है तो उसमें भी यही है कि आप पैसे देते हो और आपको वो गोश्त डिलीवर हो जाता है या आप जिसको वो गोश्त जो जिसको आप वो गोश्त देना चाहते हो आप उसको अपना वो रसी दे देते हो कि जाके तुम तो कलेक्ट कर लेना गोश्त तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील और जो दिखावे वाली चीज़ है मुझे लगता है कि दैट्स अ रियल थिंग तो आई थिंक इट्स सही बात है और क्लीन भी रहता है सब कुछ सही भी रहता है एक ही जगह सब कुछ हो जाता है इनकनवीनियंट नहीं होता वरना आप देखते हो कि मतलब लोग कुछ इतने केयरलेस होते हैं वो जो जो चीज़ें नहीं मतलब कि जैसे इतनी ज्यादा वो जो जानवर की चीजें होती हैं जो आप ऑबियसली नहीं खा सकते और आपको वो चीजें वेस्ट करनी होती हैं वो प्रवाही नहीं करते कि वो चीज़ वो डस्टबिन में फेंक दें या जाके मतलब कि उसको सही तरह कर दें वो ऐसे ही रास्ते में फेंक देते हैं और जैसे कुछ कर देते हैं तो मुझे लगता है कि इन सबको अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा है कि आपने एक जगह रखे हुए हैं और वो आपको सही तरह एक पूरा सिस्टम है जो आपको हर चीज मैनेज करके दे रहे हैं ठीक है तो आई डोंट थिंक इट्स बैड सेकेंडली आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस के आई नो के हर इन साइम ऑन ट्विटर तो मैं तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हर कोई मुस्लिम कम्यूनिटी को अटैक करता है स्पेशली पीपल हु आर वीगन के बहुत जुल्म हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है ना दिंग इज दैटली रियली रियली इनकेज एवरी वन हुज़ लिस दिस के डू नॉट अपलोड पिक्चर्स बकरे को को छुरी मारते हुए यही करते हुए या वो करते हुए ठीक है मुझे लगता है कि पहले तो बहुत ट्रेंड था कि लोग हर मतलब के ना पूरे सारे इकट्ठे हो जाते थे और सारे देखते थे कि जब ऊँट या उसकी जो है वो उसकी गाय की जब गर्दन काट रहे हैं और ये करें वो करें जैसे कोई शो है या फिर बहुत लोग वीडियो बना के भी लगा देते थे यू शुड नॉट डू इट क्योंकि इस तरह का कोई भी जो है हुक्म नहीं है कि उसकी वीडियो बनाओ या सारे आके देखना शुरू हो जाए सेकेंडली मुझे लगता है कि इस्लाम में मुझे लगता नहीं है that's for sure. इस्लाम में हमेशा जो है वो जानवर की बहुत ज्यादा जो है वो करने का कहा है कि के, के, मतलब उनको पानी पिलाओ उनको ये करो उनको वो करो मतलब कि उनके साथ नरमी और अच्छे तरीके से करने का कहा है कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप जानवरों के साथ ये करें वो करें जुल्म करें यह सब कुछ करें थिंग इज दैट के बहुत से लोग नॉन मुस्लिम भी मीट ईटर्स हैं और आप आ, हम जो स्टैट्स देख लें खोल के तो बहुत ज़्यादा मुल्क है पाकिस्तान में सिर्फ मतलब कि मीट ईटर्स नहीं हैं और जो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में मीट ईटर्स हैं उनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है भी नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वैसे ही मतलब मीट ईटर्स हैं और हमारा ये इवेंट है ही इस, स्पेसिफिकली इसके लिए ताकि हम वो जो सारा जो गोश्त है वो हम लोगों में बांट सकें ताकि हम मतलब के चैरिटी दे सकें लोगों को दे सकें प्रोवाइड कर सकें जो लोग वो चीज नहीं खा सकते और ये बेसिकली ये पूरी चीज है ही इसलिए ताकि आप वो सेक्रीफाइस करके जो मीट है वो आप उन लोगों को दे सको जो खा नहीं सकें मैं दो दिन पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बच्चा आ, मुझे नहीं पता वो किस कंट्री का है I, मतलब आई गेस ही फ्रॉम पैलेस्टीन या फिर ऐसे कोई कंट्री का है और ही इज लिटरली मतलब कि छोटा सा बच्चा है ना लिटरली क्राइड वीडियो देखते हुए क्योंकि वो सो मतलब सैड और हार्ट ब्रेकिंग उसमें वो लड़का जो है वो रो रहा है और ही इज अ गार्बेज कलेक्टर और अपने बहन भाइयों को वो खिला रहा है और वो खुद इतना छोटा सा बच्चा टेन ईयर्स का है और ही इज टेलिंग कि मैंने दो साल से चिकन नहीं खाया या मैंने कोई मीट नहीं खाया इस किस्म का तो ये ईद उन लोगों के लिए है उन बेचारों के लिए है कि जो कुछ खा नहीं सकते कि आप उनको प्रोवाइड करो और एटलीस्ट वो वो चीज़ खाएं और इट्स मतलब के पार्ट ऑफ इबादत और इस्लाम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसलिए इवन रोज़े जो हैं उनका एक मकसद ये है कि आप टू हम्बल यू कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमत दी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास खाना नहीं है प्रोवाइड करने के लिए इस वजह से रोज़े में भी जो है वो ज़कवात का हुक्म है कि आप चैरिटी दो तो इस्लाम में हर चीज़ में कहीं ना कहीं ये है, है चीज़ कि आप चैरिटी करो चैरिटी करो ये ईद इसलिए है ताकि जो आप सेक्रीफाइस करके गोश्त मतलब कि आपको मिल रहा है वो आप अपने पास ना रख लो वो आप लोगों में दो उन लोगों को दो जो बेचारे नहीं खा सकते तो मुझे लगता है कि ईद वाले दिन मुस्लिम कम्यूनिटी को इतना कुछ सुनाना जबकि हर कोई मीट खाता है और हर मतलब कि आपके अपने कंट्री में इतने लोग मीट खाते हैं लेकिन आप स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो जिनका मेन मकसद उस ईद का ही है कि वो वो गोश्त आगे लोगों को दे सकें जो नहीं खा सकते बहुत ज्यादी की बात है और बहुत मतलब की गलत है लेकिन दूसरी बात मैं अपने लोगों को ये कहूँगी कि डू नॉट अपलोड वीडियोस एंड फोटोज और वैसे नहीं सही और मतलब कि इस्लाम डज नॉट सपोर्ट क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स इन एनी शेप और फॉर्म और इवन जो जिस तरह उनको जिब्बा किया जाता है वो भी इसलिए किया जाता है कि उनको कम अज कम तकलीफ हो और ये सब कुछ हो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक, एक, के इट्स फेयर कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करो कि वो ये ऐसा जानवरों के साथ वो करते हैं वो करते हैं जबकि आपके मुल्क में इतने मीटीटर्स हैं जो कि मतलब गोश्त के अलावा कुछ और खाते भी नहीं हैं ठीक है थीके? तो दिस इज समथिंग आई रियली रियली वांटेड टू से बाकी मेरा ईद पे क्या प्लान है मेरा ईद पे कोई प्लान नहीं है मैं पिछली चार पांच ईद से जो है वो पेस्टल्स कलर पहन रही थी पहन रही थी पहन रही थी मैं येलो और पिंक और पर्पल मतलब कि मैं सारे लाइट लाइट कलर्स पहन रही थी और इस बार आई एम डचिंग पेस्टल्स एंड आई एम वेयरिंग अ रेड कमीज और अलग अलग मौसम ऐसा हो कि मैं वो पहन सकूँगा ना मैं नमाज के टाइम पहनूंगी और फिर उसके बाद मतलब क्या आई विल चेंज क्योंकि मेरा इतना नहीं है एक तो मेरा फोन भी खराब है तो पिक्चर्स भी नहीं आ सकती सकते वो सब कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत गर्मी है तो मैं मतलब मेरा है इरादा कि मैं चिल करूँ और इंजॉय करूँ और मुझे ये मत हो कि यार मतलब मेकअप लगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने कपड़े ऐसे पहने ऊपर से, से मेकअप किया और ये किया फिर आप कोई काम भी नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली यू वांट टू हेल्प योर पेरेंट्स जिनका इतना वो गोश्त है और उसको संभालने में और वो सब कुछ करने में और मैं नहीं चाहती कि मैं बैठी हूँ कि ओ मैंने नहीं करना क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए हैं नए वाले तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नमाज के मैंने लिए पहनूंगी और उसके बाद अगर गर्मी हुई तो उतार दूंगी नहीं गर्मी हुई तो नहीं उतारूंगी लेकिन मैंने मैंने वो कमीज़ दो महीना महीना डेढ़ पहले सफायर थी सफायर वेरी गुड डील और आई एम इट और मैंने क्या कहना था अच्छा प्राम, मैंने सोचा था कि ओ हम लोग ना नॉर्दर्न जाएंगे पे क्योंकि मेरे भाई की भी छुट्टी हैं और मेरी बहन का फॉरन सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रही है इसके बाद और मेरा मेरा बहुत बहुत दिल दिल है है नॉट जाने जाने का you, मेरा दिल है जाने का आई आई कैन टेल यू लेकिन आई डू नॉट थिंक दैट वी आर गोइंग क्योंकि और किसी का नहीं है तो वी विल सी के क्या बनते हैं लेकिन मैं जरूर जाना चाहती हूँ और मैं जाऊंगी भी हम्म बाय द वे मैंने ये बात ऐड करनी थी कि

Uh, मेरे जब भी घर में लाइट जाती है मैं हमेशा वॉक पे निकल जाती हूँ समर में वॉक करने का मजा आता है ऑब्वियसली विंटर में भी मज़ा आता है या फॉल में भी मज़ा आता है लेकिन इवन जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि समर में स्पेसिफिकली लोग निकलते हैं और वॉक करते हैं आई ऑल्सो इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन समर्स कैन स्टार्ट पेंटिंग अगेन और मैं पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा ना ऑयल पैस्टर्स जिनको क्रियॉन्स भी कहते हैं मैं उनकी बहुत वीडियोस देख रहा हूँ आई रियली वांट टू गेट दम एंड स्टार्ट पेंटिंग अगेन मेरी पेंटिंग माय पेंटिंग इज हॉरेबल और मतलब कि आई हैव आल्सो फेल्ड इन आर्ट्स तो मेरी बहुत बुरी है लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट फॉर फन तो इफ़ यू कैन टू गेट क्रियन्स और पेंट्स फॉर योर एंड पेंट यू कैन स्टार्ट अ वीडियो गेम एंड यू कैन प्ले वीडियो गेम्स इफ यू वॉन्ट टू मुझे लगता है कि इट्स फन मतलब कि इवन इफ यू डोंट हैव अ वीडियो गेम क्योंकि मेरे पास भी नहीं है यू कैन डाउनलोड अ गेम इन यूर फोन एंड यू कैन प्लेट यू कैन लर्न हाउ टू निट और आई नो इट्स अस विंटर थिंग लेकिन अगर यूल स्टार्ट लर्निंग इट नाउ तो फिर विंटर तक आ जाएगी एंड यू कैन एक्चुअली मेक स्टफ क्योंकि आई जस्ट कॉट माई नेटिंग नूडल नूडल्स टिंग <laughs> नीडल्स और फिर इस वजह से मैं अब यार लेके वो स्टार्ट करने लगी हूँ ताकि जब तक विंटर फॉल आए तब तक मैं कुछ एक्चुअली बना सकूँ मेरे हाथ में कोई स्किल हो यू कैन लर्न हाउ टू ड्राइव वुड मैं मैंने पिछली बार आई लर्न हाउ टू ड्राइव लेकिन आई एम स्केयर टू ड्राइव तो आई आई रियली वॉन्ट टू गेट अंड ऑन ड्राइविंग तो आई होप कि मैं ये चीज भी कर सकूँ दिस इज वन ऑफ माई बर्ड दोल टू यू कैन एक्चुअली चेंज द ओरियंटेशन ऑफ योर रूम that is also a very fun thing you can write the things down that you really want to do and you can make a timetable or agar it involves waking up early or sleeping night like you have to see what you want to do and how you, do, you want to do bas baat ye hai ke हमें लगता है कि वो मतलब कि सिर्फ मैंने सीरीज़ देखी या मैंने बुक पढ़ी तो I did nothing for समर्स और दिस इज नथिंग और सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी ही कुछ ना कुछ होती है लेकिन यू कैन डू अलॉल ऑफ इंडोर एक्टिविटीज और आई डू नॉट आई कैन नॉट रिकॉल लेकिन इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो उधर मैंने पूरा बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि ओ दिस इज द स्ट ऑफ आई वॉन्ट टू डू बेसिकली इज फील्ड विद डी आई वाइज दट यू कैन डू एंड दे आर वेरी क्यूट तो यू कैन फॉलो मीयर इंटरेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू और देर इज मतलब कि इवन इफ यू आर रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ सीरीज यू आर स्टिल गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट एंड यू आर गेटिंग एंटरटेन तो डोंट थिंक कि अगर मैंने बस यही किया तो मैंने समर्स में कुछ मजे का नहीं किया क्योंकि मैं भी सिर्फ यही कर रही हूँ लेकिन मैं उस चीज़ में इतनी एक्साइटमेंट ले आती हूँ ना इवन विद द एक्ट ऑफ रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ सीजन कि मुझे लगता है कि ओ, ये ही बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है और ये इट्स एन एक्टिविटी इट सेल्फ तो या और दूसरी बात यह है कि आउटडोर एक्टिविटीज ऑब्वियसली बहुत गर्मी है आई हैव सीन सम पीपल टू गो आउट फॉर स्विमिंग इफ यू कैन गो फॉर स्विमिंग तो डू गो फॉर स्विमिंग आई कैन नॉट मेरा बस यही है कि आई वॉन्ट टू रीड एंड आई वॉन्ट टू पेंट एंड आई वॉन्ट टू या दिस इज आर एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू निट तो इस वजह से इफ देर सम हॉबी दैट यू रियली वॉन्ट टू डू आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू बी इट गार्डनिंग बी इट स्टिचिंग और वट एवर बी इट मे बी स्टार्ट रीडिंग अगैन ये सब कुछ तो यू हैव टू फिगर आउट वॉट इट इज़ और आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू टॉक ऑन दिस टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है मे बी आई विल मेक एन अदर एपिसोड एंड टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स लेकिन अभी के लिए इतना ही है और यू माइट हैव एन आइडिया वॉट यू वॉन्ट टू डू यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट फॉर यूर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइज द थिंग्स एंड डू इट मतलब फाइनली डू इट और इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग तो आपको अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसी में उसी में देखना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम आई स्टिल डूइंग समथिंग Yeah, yeah. So, best of luck for your summer vacation and even bye in advance. Or, uh, yeah, bye. This is a short episode. Like, uh, next time, I promise I'll do a good one.